हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए एक बार फिर लेकर आई हूँ एक नई रेसिपी आप सभी के लिए। तो पतंजलि मिल्क मलाई जो दूध केक आता है ना, पतंजलि दूध, उसी से बनाया है मैंने ये केक। तो देख सकते हैं बिस्किट 4 पैकेट लिए थे, तो बहुत ही कम सामानों से कम खर्चे में केक बन के तैयार होने वाला है आज का। तो बने रहिएगा वीडियो में आखिर तक फ्रेंड। तो सबसे पहले मैंने बिस्किट के चारों पैकेटों को खोल के इस तरह बिस्किट निकाले। और सारे बिस्किट को देख सकते हैं आप, 4 पैकेट बिस्किट लिए थे मैंने, तो अच्छा बड़ा काफ़ी बड़ा केक बन गया था। तो आप कभी भी बहुत कम समय में बना के तैयार कर सकते हैं और कम सामान से कम खर्चे में बिल्कुल आप इन्हें बना के बहुत अच्छा केक घर पे बना के तैयार कर सकते हैं। तो रेसिपी को आप भी ज़रूर ट्राई करें। तो बहुत ही सॉफ्ट होती है ये वाली बिस्किट पतंजलि दूध, तो इसे एकदम ईजीली देखिए हाथ से टूट जा रही थी, इसे मिक्सी के पॉट में डालती जा रही थी। और देखिए क्योंकि ये पॉट भर गया है तो सेकेंड टाइम फिर से डाल देंगे बाकी वाले बिस्किट। तो इसे दूध डाला है मैंने इसमें, तो 100 ग्राम के करीब दूध डाल दिया था और इसे मिक्सी में पीस लिया है। तो देखिए पिसके एकदम कम हो गया था, ये जार पहले बहुत ज़्यादा भरा हुआ था, इसे मैं पूरा नहीं डाली थी मैंने। तो वापस सेकेंड टाइम में मैंने बाकी जो बिस्किट थे ना मैंने पूरे डाल दिए थे इसी में और इसे पीस लिया है। तो थोड़ा सा दूध इसमें और डाल दूंगी मैं ताकि अच्छे से पीस जाए। तो देखिए थोड़ा और दूध डालकर, ज़्यादा दूध नहीं लगता है, थोड़ा सा ही 50 ग्राम के करीब दूध लगा था इसमें। और इसमें शक्कर मैंने 3 चम्मच ही यूज़ की थी। तो फ्रेंड देख सकते हैं आप ये पिसके घोल तैयार हो गए। इसमें मैंने आधे चम्मच बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा यूज़ किया है, और आधे ही चम्मच इसमें बेकिंग पाउडर। तो ये देख सकते हैं बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर आधा आधा चम्मच डाल दिया दोनों, और इसे और एक बार ग्राइंड कर लिया था। तो देखिए एकदम ये जो पेस्ट है तैयार हो गया है, केक का बैटर एकदम रेडी हो गया है, केक टिन भी है, इसे मैंने ग्रीस कर लिया है और इसमें जो सारा बैटर इसको डाल देंगे। और कुकर प्री हीट करने के लिए मैंने पहले ही रख दिया था। तो बस इसमें केक टिन जो है उसे रख दिया फ्रेंड, और ढककर इसे मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा सा मैंने हल्की सी मीडियम फ्लेम, एकदम ज़्यादा नहीं, उस पर रखा था करीब 5-10 मिनट के लिए, फिर लो फ्लेम में ही पकाया है इसे। तो करीब 25 मिनट में ये जो केक है बन के तैयार हो गया है आज। तो अब इसे बीच में चेक करते रहें इस तरीके से कुकर में बनाएं फ्रेंड, बहुत अच्छा बनता है। केक की जो कुकर की सीटी है उसे अलग कर दीजिएगा जब भी केक बनाएं। तो आप तो देखिए 25 मिनट ही केक बहुत ही अच्छा बन के तैयार हो गया, अंदर तक जो है पक गया था। तो फ्रेंड आप भी रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, मैंने आपको कहा था कि बहुत कम सामानों से बनने वाली रेसिपी है और झटपट से बन जाएगी। तो आप भी ट्राई कीजिए, और अच्छा लगे फ्रेंड आपको ये रेसिपी केक तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो देखिए कितना बढ़िया केक बन के तैयार हो गया है झटपट से, और बच्चों को भी बहुत पसंद आया फ्रेंड। ओनली 40 रुपीज़ का ही समझ लीजिए बिस्किट लगा हुआ है और थोड़ा सा मिल्क, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो समझ सकते हैं आप केवल 50 रुपीज़ में ये केक बन के तैयार हो गया है हमारा। मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊँगी, मतलब कि 10 रुपये की बिस्किट से बना लीजिए, ऐसा नहीं है। जो है इसमें 40 रुपीज़ की बिस्किट लगी है, 10 रुपीज़ का दूध लगा है, तो 50 रुपीज़ में ये केक बन के तैयार हो गया फ्रेंड। तो आप भी बनाएं एंड एंजॉय कीजिए, बच्चों को बहुत पसंद आने वाली चीज़ है और जल्दी से बनने वाली चीज़ है फ्रेंड। बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ मिलूंगी आपके साथ, एक नई रेसिपी के साथ। तो अपना प्यार और सपोर्ट फ्रेंड ऐसे ही बनाए रखिए। जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड, एक लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर करें फ्रेंड, और अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा फ्रेंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच। इस तरह मैंने टुकड़ों में कट कर लिया था इसे, और बच्चों ने तो मेरे काटते ही काटते, खोलते ही खोलते, बच्चों ने तो आधा केक वैसे ही खा लिया था। तो आप भी बच्चों को बनाकर खिलाएं
एंड एंजॉय करें। टेक केयर फ्रेंड, बाय बाय।